नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास रायकवार। दोस्तों ये आयल सील वाला पंखा जो है, ये इसकी जो आयल सील है ये ख़राब हो गई हैं। और इसकी जो आयल सील वाला पंखा है इसमें मोबाइल डाला जाता है, तो आपने पता ही होगा मोबाइल डालने का ऑप्शन होता है इसमें। और इसके बाद उसमें उस होता क्या है कि जब इसकी आयल सील आगे आयल सील होती है ना, यहाँ पे तीन चार आयल सील होती हैं, तो जब ये आयल सील कट जाती हैं तो जो पानी होता है वो बैरिंगों में आ जाता है। और जब बैरिंग में पानी आ जाता है तो जो बैरिंगें होती हैं ये टूट जाती हैं। तो मैं इसके बाद आयल सील कैसे लगाना है आपको, और ये मतलब अच्छा कैसे चलेगा, और इसके बाद कौन कौन सी सिस्टम होता है पूरा मैं आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ये बैरिंग निकाल के इसके बाद इसको निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये जो नट होता है इसको मैंने अच्छा से मतलब खोल लिया है, और इसके बाद ये नट उल्टा होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना आप। पंखी के लगभग सभी नट उल्टा ही होते हैं, हर पंखी के सब नट उल्टा नहीं होते, पंखी के एक ही नट उल्टा हुआ, इम्पेलर भरेगा। तो इम्पेलर है भाई का, सभी नट ना बताओ। सो इसके बाद इसको निकालते हैं, ये बाहर साइड निकलेगा, मैं इसको निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने इसका इम्पेलर जो है निकाल लिया है, और इसके बाद इसको निकालते हैं सॉफ्ट, ये रही सॉफ्ट बैरिंग, ये वाली ठीक है पर दूसरी वाली टूट गई है अंदर वाली, सो बैरिंग हमें दूसरी डालनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसका नंबर क्या है, महाराज नंबर कहाँ है, 25 45 8 है ना अपने पास, 25 45 8 25 45 8 आयल से सब आउट हैं, ज़्यादातर 25 45 8 है उगती हैं। सो इनके बाद मैं दूसरी आयल सील लाता हूँ, इसके बाद फिर कैसे लगाना है मैं भी ये भी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये जो 25 45 8 की आयल सी लगती हैं ले आया हूँ, और ये मैंने ये उसमें पुराने वाले में था, कुछ दूसरा सिस्टम पड़ा था, मतलब देखिए यार पता नहीं, पर मैंने ये जो वाशर होती है ना बड़े वाले बोल्ट की, तो उस वाशर को मैंने चारों तरफ से गोल करके और फिर इसमें सेट किया है। और क्या ना कि फिर अगर हमें बिना छल्ला डाले करेंगे ना, तो ये आयल सील बाहर उस तरफ निकल जाने के चांस बन जाएंगे। देखिए मैंने ऐसा सिस्टम कुछ बनाया है, इसके बाद उसको वाशर को रख दिया, इसके बाद इसकी बैरिंग जो है अच्छे से टाइट कर दिए, और तो मैंने ये तीन आयल सील जो हैं अच्छे से लगा दी हैं, और ये रही चौथी आयल सील। तो इसको क्या करना है, ऐसे रख देना है आपको आराम से, और ये इसमें ज़्यादा जोर जबरदस्ती मत करना, क्या कि आयल सील अगर ये ख़राब हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद आपको मैंने ये ऐसे कुछ जुगाड़ करके ठोंका है, सो जिससे मतलब ये बीच में ना जाए दिक्कत, और ये चारों तरफ मतलब कुछ आप रख सकते हैं ऐसे ही, तो ऐसे मैंने करके ठोंक दिया इसको। सो ऐसे ही मतलब ये चारों हो गई हैं, तो थोड़ा सा और इस तरफ मैं ठोंक दूंगा। इसके बाद अब मैं बैरिंग और केम साफ्ट कैसे लगाना है, ये साफ्ट जो है, तो ये सब मैं पूरा सिस्टम बताता हूँ और इसके बाद जो है आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें जो जितनी आयल लील है ना, आयल सील मैंने लगा दी है अच्छे से, और इसके बाद तो मैंने आयल सील में ना केम साफ्ट में भी थोड़ा सा मोबाइल लगा दिया है, और इसके बाद धीरे धीरे घुमा के और अच्छे से मैं इसको सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें अकेले बनेगा नहीं ना, फ़ोन पकड़े में तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं डालता हूँ इसको फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने साफ्ट को अच्छे से लगा दिया है, क्या ना थोड़ा सा मतलब ऐसे लगा जाते हैं ना, घुमा घुमा के डाला जाता है इसको, तब वो अंदर जाती है अच्छे से। सो इसके बाद ये इसका काम हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका इम्पेलर जो है, इम्पेलर सभी ये जो निशान दिए होते हैं ये अंदर साइड रहते हैं सभी में, जितने भी इम्पेलर होते हैं। तो इसको मैं लगाता हूँ, और इसको इसका नट जो है इसको लगा के इसके बाद पीछे जो वाशर वगैरह डाली जाती है मैं ये भी दिखाता हूँ कैसे आपको डालना है ये। तो मैंने इस इम्पेलर को अच्छे से टाइट कर दिया, अब इसके बाद इसमें आधा लीटर के समथिंग मोबाइल डाला जाता है इसमें। तो अब इसके बाद क्या, मैंने एक जो आपने पहले ध्यान दिया हो, मैंने लोहे का छल्ला घिस के आगे डाला है, तो अब जो आगे डाला है तो केम ये जो साफ्ट है हमारी ये हो गई पीछे,
तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने अब इसको लगाएंगे तो इसको भी पीछे करना पड़ेगा। तो इसके बीच में हमें कुछ सिमें कुछ ज़्यादा डालनी पड़ेंगी। तो मैंने देखो ये 2, 2, 4, 1, 5 और 2, 7 यानी अभी 7 सिमें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा पीछे करना है। अगर इसको हम ज़्यादा टाइट कर देंगे ना तो क्या होगा कि जो बैरिंग दोनों बैरिंग हैं बिल्कुल चिपक जाएंगी, तो ये घूमना बंद हो जाता है। इसीलिए हमें ये डालना पड़ता है जब भी हम छल्ला डालते हैं। वैसे तो छल्ला कंपनी देती है तब कोई दिक्कत नहीं होती, पर बहुत बार होता है कि छल्ला जो है वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है। तो इसके बाद मैंने वासर लगा ली हैं, 2 वासर की और ज़रूरत है, और इसके बाद मैं इसको सेट करता हूँ। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे न्यू वीडियो जब भी आएंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको अच्छी अच्छी जानकारी जो है मिलती रहेगी, आपको एक भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। और इसके बाद मैं इसको मतलब सेट करता हूँ, और इसके बाद एक आयल सील ऊपर भी डाली जाती है, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। और इसके बैरिंग का नंबर जो अगर आपको जानना है तो ये बैरिंग का नंबर भी मैं आपको बता दूँ, इसमें पड़ती है 30, इसमें डाली जाती है 30, 20, 5। बैरिंग का नंबर इसका होता है 30, 20, 5। तो बैरिंग का नंबर भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं पैकिंग डाल के और इसके बाद आपको दिखाता हूँ ये कैसे डालनी है आगे। और ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है आयल वाला पंखा, सो पंखा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अब। और इसके बाद हमारा ये जो पंखे का काम है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने ऊपर 2 आयल सील डाल दी हैं, हालांकि 2 पड़ती हैं तो मैंने 1 जो है ज़्यादा डाल दी है क्योंकि थोड़ा सा जगह बाकी थी तो मैंने डाल दी हैं। और इसके बाद जो है इसको हम लगा देते हैं, और ये हमारा जो ये पंखे का काम है ये कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ऑल पे कर देना, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।